प्रभास ने सोशल मीडिया पर शादी की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो जो कि जल्दी शादी के बंदर में नहीं बनने वाले हैं। इसकी वजह को लेकर उन्होंने कहा कि वो अपनी फीमेल फैंस की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो फिलहाल वो अपनी फिल्मों पर काम करने पर फोकस कर रहे हैं। वहीं जो कि दलजीत कौर को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां टीवी एक्ट्रेस और आलिन भनोट के एक्स वाइफ दलजीत कौर पिछले कुछ समय में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में, जहां पिछले साल जो कि उन्होंने कन्या बेस्ट बिजनेसमैन निखिल पटेल संग जो कि शादी की थी, मगर फिर कुछ महीनों के बाद ही जो कि खबर सामने आ रही है कि निखिल और दलजीत कौर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह जो कि कन्या से वापस इंडिया भी आ गई है और अब इस बातों पर जो कि दलजीत ने एक पोस्ट भी शेयर किया है और कुछ लोग जो इस पोस्ट को देखकर ये कास लगा रहे हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है कि उनका डिवोर्स भी हो सकता है और भी कोई वजह सामने आ सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट न्यूज जो कि हार्दिक पांड्या को लेकर आ रही है, जो हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा के बीच जो कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तलाक की खबरें जो कि सामने आ रही है, यहाँ तक कि न्यासन जो कि अपने इंस्टाग्राम पर जो कि सरनेम भी हटा दिया है, जहाँ पांड्या सरनेम भी हटा दिया है। इसके अलावा जो कि तरह तरह की जो कि न्यूज है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी बीच जो कि ये भी एक न्यूज सामने आ रही है कि अगर उन दोनों का तलाक हो जाता है तो जो कि पांड्या है वो अपनी 70% प्रॉपर्टी जो कि गवा देंगे, उसे जो कि 70% प्रॉपर्टी जो कि अपनी पत्नी के नाम करनी होगी। तो आपका इस न्यूज के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।